નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અતિથિમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. અતિથિ એટલે એવો કાર્યક્રમ કે જે કાર્યક્રમમાં વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ સાથે આપની મુલાકાત કરાવે છે અને વાતો કરીએ છીએ અંતરંગ. આજે આપણા કાર્યક્રમમાં એક એવા વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ, કહી શકાય કે લાખોની પરંતુ કરોડો લોકો જેમના પ્રવચનથી પ્રેરિત થાય છે, કદાચ પોતાની જૂની રૂઢિઓથી દૂર થઈને સામાજિક અને એવા પ્રવાહની અંદર કૌટુંબિક પ્રવાહમાં જોડાઈ જાય છે અને સાચો માર્ગ કરોડો લોકોને જેમણે આપ્યો છે. સંત છે, પરંતુ ક્યાંક નોર્મલ સંત માટે એવું કહેવાય છે કે વાણી સાંભળવી તો સંતોની, કેમ? કારણ કે મીઠી વાણી બોલતા હોય છે. પરંતુ આજે આપણી સાથે અતિથિમાં એક એવા સંત હાજર છે કે જેઓ કડવા પ્રવચનથી પ્રચલિત થયા છે. દર્શક મિત્રો, બિલકુલ સાચી વાત છે, આજે આપણી સાથે હાજર છે કાર્યક્રમમાં રાષ્ટ્રવાદી સંત, ક્રાંતિકારી સંત મુનિ શ્રી તરુણ સાગરજી મહારાજ. તરુણ સાગરજી, આપકા સ્વાગત હૈ કાર્યક્રમ. મુનિજી, સબસે પહેલે તો મેં પૂછના ચાહુંગા કે નોર્મલી કહા જાતા હૈ કે સંતે મીઠી વાણી કહેતે કે આપ ભી મીઠી વાણી બોલીએ, લેકિન ઇસ મુનિજીને, ઇસ સંતને, ઇસ સ્વામીજીને અપની તો કડવી વાણી હૈ, લેકિન લોગો કો કઈ મીઠી દિશાએ ભી દીએ. યે કડવી વાણી સંતો કે સાથ કડવી વાણી કહીં સેટ નહીં હોતી. કૈસે કૈસે યે પેટર્ન બની? ક્યા પહેલે સે હી, મેં શાયદ પૂર્વાશ્રમ કી ભી અગર ઉલ્લેખ કર સકે તો બહોત બહેતર રહેગા, કે ક્યા પહેલે સે હી એસી વાણી થી આપકી? કે પહેલે મેં બહોત મીઠા બોલતા થા, છોટી સી મેરી ઉમર થી 13 સાલ કી ઉમર મેં સંન્યાસ લિયા. 13 સાલ કે લડકે ઓર લડકી કી આવાજ મેં કોઈ ખાસ ફર્ક નહીં હોતા હૈ, સ્વાભાવિક હૈ. મેં ભી બહોત મીઠા બોલતા થા, લેકિન ઉસ મીઠા બોલને કા દુષ્પરિણામ યે હુઆ, મેં મીઠા બોલતા થા, લોગ સોતે થે, ઉન્હે લગતા થા મુનિશ્રી કોઈ લોરી ગા રહા ગા રહે હૈ. તો એક દિન મુજે લગા, જૈસે મેરે ભીતર બેઠા મહાવીર મુજસે કહે રહા કે તરુણ સાગર, યે જિન લોગો કો તુમ અપની બાત કહે રહે હો, યે અંધે ઓર બહરે લોગ હૈ, ये ना आपको सुन पा रहे हैं ना आपको देख पा रहे हैं. और उसी दिन से मैंने कड़वी बात, कड़वा सच, कड़वा वक्तव्य देना शुरू किया. उसका परिणाम, रिजल्ट ये हुआ, आज मैं बोलता हूँ हजारों लाखों की संख्या में लोग मेरी बात को सुनते हैं. मीठे प्रवचन और कड़वे प्रवचन में मैं एक बुनियादी अंतर बताता हूँ जी. और वो अंतर ये है कि जो संत के मुख से निकले और श्रोता के कान पर जाके ख़त्म हो जाए वो मीठा प्रवचन, और जो संत के मुख से निकले और श्रोता के कान की यात्रा करते हुए दिल तक पहुंचे वो कड़वा प्रवचन. तो मुझे लगता है जिंदगी में परिवर्तन तभी संभव है जब संत के मुख से कही हुई बात श्रोता के दिल तक पहुंचे. लेकिन मुझे यहाँ रोकूंगा, ये आपने बात बताई, लेकिन अभी तो आपकी कड़वी वाणी, कड़वी प्रवचन, कड़वे प्रवचन सब लोगों को बहुत मीठे मधुरे लगते हैं, लेकिन जब पहली बार जब इस तरह की वाणी का प्रयोग किया गया होगा उस वक्त मेरे हिसाब से कई लोगों के रोंगटे खड़े हो गए होंगे और कई विरोध की आवाज भी उठी होगी आपके खिलाफ. स्वाभाविक है, आप जो कह रहे हैं उस बात में काफी सच्चाई है. जब मैंने पहली बार एक वक्तव्य दिया जी, आज से 20 साल पहले, कहां पर दिया था? राजवाड़ा. कहां पे? इंदौर का राजवाड़ा. ओके, ओके. वहां वक्तव्य दिया था, और वो वक्तव्य ये था कि मैं भगवान महावीर को मंदिरों जैनियों के कब्जे से बाहर निकल कर चौराहे पर लाना चाहता हूँ. तो हिंदुस्तान का आधा जैन समाज मेरे खिलाफ था, और मुझ पर इस बात का वक्तव्य दबाव था कि मैं समाज को आश्वस्त करूं कि भविष्य में परंपरा के खिलाफ कोई वक्तव्य नहीं दूंगा, और जो वक्तव्य मैंने दिया है वो वक्तव्य मैं वापस लूँ. okay. मैंने कहा कि ये मेरा मिशन है, मुझे सारी ज़िंदगी इसी पर काम करना है, और मैं अकेला ही चल पड़ा. और स्वाभाविक है लोग जुड़ते गए, और आज वही लोग जो कल मेरे विरोध में थे आज मेरे साथ मिशन. आपने अपने बहुत बहुत एक सूचक बात बताई कि आपने उस वक्त पहले ही प्रवचन में एक ऐसी बात कह दी थी कि जो शायद आज तक लोग मानते भी थे, सोचते भी थे, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे. उसके बारे में मुझे और जानकारी चाहिए. आपने कहा कि मैं महावीर को लोगों तक चौराहे पे लेके जाऊंगा ताकि वो वहां तक जाए. मीन्स इनडायरेक्टली आपका कहने का मतलब ये था या तो ये है कि वो कई ऐसे स्थापित हितों के दायरे में ही कहीं पे वो दबे हुए थे. देखिए, मेरा अपना मानना है कि कुओं पर ताला नहीं लगना चाहिए. जिन कुओं पर ताला लग जाता है, जिन कुओं को पानी निकलना बंद हो जाता है, वो कुओं का जल सड़ जाया करता है. आज हमने राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर
जो कि एक कुआनुमा है, हमने उन पर ताले लगा दिए। एक समुदाय की विशेष के लिए उपलब्ध है, बाकी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। तो मैं कहता हूँ ये ताला तोड़ दीजिए, जो दीवारें हैं वो दीवार खत्म करिए, और जब दीवारें खत्म होगी, महावीर को चौराहे पर लाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था, उनका जीवन, उनका संदेश, उनकी चर्या, उनका वक्तव्य दुनिया के सामने आना चाहिए, क्योंकि ये किसी एक समुदाय विशेष की नहीं है, ये प्राणी मात्र के लिए, मानव मात्र, मतलब जन जन तक ये पहुंचे, वो उद्देश्य था आपका। मेरी सीधी बात, आपने ये बहुत अच्छी तरह बताया कि ये जन जन तक पहुंचने चाहिए, और इतनी अच्छी विचारधारा जिससे कई लोगों को नई दिशा मिली है, इवन यहाँ तक कि विश्व के अनेक अपने आप को डेवलप कंट्रीज मानने वाले लोग भी जैन दर्शन का अभ्यास करते, और उनको लगता है कि सही में जीवन शैली अगर है तो इसमें साइंस है, जैन दर्शन में साइंस है, हर एक बात जो जोड़ी गई है धर्म के साथ उसके पीछे कहीं विज्ञान है। लेकिन मुनि जी, महावीर स्वामी जी को चौराहे तक यानी कि जनजग तक पहुंचाना बहुत अच्छी बात, लेकिन प्रवास पैदल करना, बाहर के विदेश का धर्म विमान से उड़कर हिंदुस्तान में आके हमारे ही जो भी धार्मिक लोग हैं उनको कहीं अपने वहां ले जाते हैं, ऐसा आक्षेप भी होता रहता है धर्म परिवर्तन कराने का, तो क्या जैन धर्म, जैन विचारधारा इस देश के बाहर नहीं जानी चाहिए, और अगर जानी चाहिए तो कैसे जाएगी? देखिए, मेरा अपना मानना है कि पहले हम अपना आंगन बुहारें। दुनिया बहुत बड़ी है, एक आदमी दुनिया को सुधारने का ठेका नहीं ले सकता, और मैं ऐसा दावा भी नहीं करता हूँ कि मैं पूरी दुनिया को बदल दूंगा, लेकिन वादा जरूर करता हूँ। दावा को अगर आप पलट दें तो वादा शब्द का जन्म होता है। मैं कोई दावा नहीं करता हूँ, या मेरे जैसे लोग कोई दावा नहीं करते हैं कि वो सारी दुनिया को तब्दील कर देंगे, बदल देंगे, लेकिन वो वादा जरूर करते हैं कि जिंदगी को बदलने के लिए अपनी तरफ से कोई और कसर बाकी नहीं रखेंगे। स्वाभाविक है, जैन मुनि की अपना जीवन है, एक चर्या है। जैन मुनि आश्चर्य में आश्चर्य, सारी दुनिया में सात आश्चर्य माने जाते हैं, ताजमहल उसमें आश्चर्य है, और भी बाकी आचर आश्चर्य है, लेकिन मुझे लगता है इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं है। आज के जमाने में अगर कोई सबसे बड़ा आश्चर्य है तो वो दिगंबर मुनि होना आश्चर्यों में आश्चर्य है, क्योंकि दिगंबर मुनि की एक जीवन शैली होती है, जैन साधु की एक जीवनचर्या होती है, उस चर्या के अंतर्गत वो अपने जीवन का यापन करते हुए, क्योंकि वो गुरु, समाज का गुरु है, गुरु होने के नाते उसका दायित्व होता है वो समाज को मार्गदर्शन दे। मैं समाज की दो रोटी और दो अंजली पानी लेता हूँ, समाज का ऋणी हो जाता हूँ, उस ऋण को उतारने के लिए मैं हर रोज नंगे पांव, नंगे बदन श्रोताओं के बीच में आता हूँ और अपनी बात कहता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ एक ही होता है कि आपके चेहरे पर खोई हुई हंसी पुनः वापस आए। मेरे बेसिक सवाल का जवाब अभी तक मुझे मिला नहीं, लेकिन वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, मिलेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शक मित्रों, समय थयो छे विरामनो। विराम बाद फरी एक और स्वागत है आपनु कार्यक्रम अतिथि मां तरुण सागर जी नी वातो, बहु ज अंतरंग वातो ने एक विशेष सवाल के जे कदाच एनो जवाब ब्रेक पहला नो तो मड़े फरी वारे सवाल पूछीशु। मुनि जी, मेरा बेसिक सवाल ये था कि हमारे जो खास करके मुनि जीओ का, स्वामी जीओ का, और महाराज साहब जितने भी है उन लोगों का एक डिज़ाइन बनाया हुआ है कि इसी तरह से आपको खास करके इस तरह से ही आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, यानी साधन का इस्तेमाल नहीं होता है। क्या इसकी वजह से, मेरा सवाल ये था, विदेश जाके अगर इस जैन धर्म की बातें उनको सुननी है तो क्या सिर्फ यूट्यूब पर ही कोई संतों का प्रवचन सुनेंगे? क्योंकि कई लोग हैं जो चाहते हैं कि तरुण सागर जी इस धरती पर आए और आके वही बात कहे, हमारे सन्मुख होकर बात कहे। क्या मैं विदेश प्रवास की सीधी बात करता हूँ, ये नहीं हो सकता क्या? इतना सारा बदलाव अगर आप लाए हो तो क्या ये बात भी नहीं हो सकती कि जैन धर्म और देश में जाए? देखिए, जैन मुनि का जीवन साधन का जीवन नहीं, साधना का जीवन है। वो साधनों में नहीं जीता है, साधना में जीता है। क्योंकि मैं पहले खुद व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में चर्या लाऊं, तब मैं जीवन में दूसरों को उपदेश दे सकता हूँ। जिब्बा से अच्छा बोलने वाले बहुत संत हैं, लेकिन जिब्बा के साथ उनका जीवन क्या बोल रहा है, ये भी आज का पढ़ा लिखा आदमी देखता है। और जब जिह्वा और जीवन में फर्क दिखता है तो
आज की जो नई पीढ़ी है, न्यू जनरेशन है, वो धर्म और संत से पीछे हट जाती है। तो मुझे लगता है मैं बस जो कुछ भी बोलता हूँ वो उससे जितना प्रभाव पड़ता है उससे भी अधिक प्रभाव मेरा जो जीवन बोलता है उसका प्रभाव लोगों पर पड़ता है। तो मैं अपने जीवन में एक मर्यादा है जैन साधु की, और मर्यादाओं के तहत वो किसी तरह से वाहन का इस्तेमाल नहीं कर सकता, विदेश आदि जाने का उसके जीवन में कोई छूट नहीं होती है, तो मैं अपने ही देश को। लेकिन क्या अगर ये विचार किया गया तो ये फायदेमंद रहेगा? स्वाभाविक है, आत्मनिदम कादम्बम परिदम जगति पर कादम्बम। भगवान ऋषभदेव और महावीर ने कहा कि पहले आप आत्मा का हित करिए, अगर आत्मा का हित होता है तो दूसरों का हित अपने आप ही हो जाता है। तो मुझे अपना हित अपना कल्याण करना है तो स्वाभाविक है दूसरों का कल्याण भी। ओके। आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि जो आचरण जैसा होगा आज की नई जनरेशन, स्पेसिफिक आपने ये वर्ड यूज किया। मुनि जी, आज की इस जनरेशन में बहुत ही पॉपुलर है आप, और शायद इसी वजह से जो ओल्ड जनरेशन के लोग हैं उनको वो पसंद नहीं आते मुनि जी की बातें, मुनि जी के विचार। आज की जनरेशन के बारे में बहुत सारा क्रिटिसाइज भी होता है, आज की जनरेशन ये कहीं भटक गई है, कहीं व्यसन की ओर चली गई है, धर्म से विमुख होती जा रही है। आज के पहले इसी प्रोग्राम में जितने भी रिलीजियस गुरुज आए उनको ये सवाल मैंने पूछा है, वही सवाल मैं स्पेसिफिक आपको पूछ रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि आज की जनरेशन धर्म या तो धर्म के साथ जो भी नियम जुड़े उससे विमुख हुई है? आज के युवाओं पर इस बात का आरोप लगाया जाता है कि वो धर्म से विमुख हो रहा है, जबकि मेरा अपना मानना है कि धर्म ही युवाओं से विमुख हो रहा है। धर्म युवाओं से विमुख हो रहा है, इसका मतलब है आज हमारे मंदिर बूढ़े हो गए क्योंकि उसमें युवाओं ने जाना बंद कर दिया। जब मंदिर में युवाओं का प्रवेश बंद हो जाया करता है तो मंदिर बूढ़े हो जाया करते हैं। हमने धर्म को इतना क्लिष्ट, इतना गरिष्ठ बना दिया कि नई पीढ़ी धर्म से पीछे हट गई। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि आप धर्म को इतना सरस बनाइए, अध्यात्म में इतना रस घोलिए कि नई पीढ़ी आपको आप धर्म की तरफ खींची चलाए, और मैं वो प्रयास कर रहा हूँ और उसका रिजल्ट मेरे सामने। कई बार मेरे लोग कहते हैं आप इतना फास्ट क्यों बोलते हैं, तो मैं कहता हूँ कि फास्ट बोलने की एक वजह है कि आज की जो युवा पीढ़ी है, यंग पीढ़ी है, न्यू जनरेशन है, वो हर चीज़ फास्ट लाइक करती है, फास्ट ट्रेन, फास्ट म्यूजिक, फास्ट फूड, और इसी तरह फास्ट प्रवचन। ओके, फास्ट प्रवचन, फास्ट प्रवचन, लेकिन उसके साथ ब्लास्ट प्रवचन भी होता है आपका। स्वामी जी, आक्षेप बहुत सारे लगते हैं, वो तो होगा ही, कुछ हटके अगर कोई चलेगा तो उसके ऊपर सीधा निशान तो आएगा। जिंदा रहना है तो निंदा को बर्दाश्त करना जरूरी है। हंस के ऊपर मुनि जी बैठते हैं, बहुत ही, ये तो धर्म है जो कि किसी को दर्द नहीं देता है, और हंस ऐसा अच्छा सा एक पक्षी, उसके ऊपर तरुण सागर जी बैठते, इसके लिए भी बहुत क्रिटिसाइज हुआ है। हंस दृष्टि और सम्यक दृष्टि, एक जैन धर्म का खास शब्द है सम्यक दृष्टि। भगवान महावीर ने अपने उपदेशों में जिस शब्द पर सर्वाधिक जोर दिया, सम्यक दृष्टि की। हंस की एक विशेषता होती है कि दूध और पानी अगर मिलाकर रख दिया जाए तो दूध को अलग अलग और पानी को अलग अलग कर दिया करता है। इसी तरह संत भी वही दृष्टि आने वाले लोगों को दिया करते हैं। इस शरीर में आत्मा है उसको अलग रूप में देखिए, इस शरीर में जो परमात्मा है उसको अलग रूप से देखिए। विज्ञान ने बहुत तरक्की की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। शिरा कहाँ है, विज्ञान इसकी तस्वीर ले सकता है। धमनी कहाँ है, इसकी विज्ञान तस्वीर ले सकता है। हड्डी कहाँ है, विज्ञान इसकी तस्वीर भी ले सकता है। लेकिन इस शरीर में भी परमात्मा बैठा है, विज्ञान इसकी तस्वीर नहीं ले सकता। ये करिश्मा सिर्फ धर्म की शरण में आने के बाद मिलता है। तो मैं समझता हूँ अगर हंस की दृष्टि, हंस पर बैठ करके संबोधन प्रवचन दिया जाता है तो ये एक मुख्य संदेश है। जो बात मैं जुबान से कह रहा हूँ वो बात दूसरा पक्ष है कि हंस दृष्टि यानी सम्यक दृष्टि बने। श्वेतंबर और दिगंबर को एक साथ, जैनों में अलग अलग मत बोलिए, अगर कहना तो जैन ही कहिए, न श्वेतांबर होता है न दिगंबर होता है, जैन धर्म होता है, उसको मानने वाला जैन ही होता है। ये शब्द थे आपके, ये वाक्य थे आपके, वो भी बहुत लोगों को पसंद नहीं आए थे। मैं लोगों से कहता हूँ कि ये दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी, मूर्ति पूजक, तेरह पंथ, जितने भी विशेषण हैं ये कुछ समय के लिए कचरे के डिब्बे में डाल दीजिए। तमाम विशेषणों को कचरे के डिब्बे में डाल करके सिर्फ जैन होने का विश्लेषण किया जाए तो मैं समझता हूँ हम भगवान महावीर के सिद्धांतों को आत्मसात कर सकेंगे और उनके प्रति हमारी सच्ची विनयांजलि होगी।
पॉलिटिशियन के बारे में आपके विचार हर वक्त एक विवाद में रहते हैं। आप ऐसी जगह जाके ऐसी बात बोल देते हो कि दूसरे दिन हेडलाइन भी बन जाती है, कोई भी मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट मीडिया, लेकिन वो जब भी जैसे मालूम पड़े कि तरुण सागर जी आए हुए हैं, तुरंत ही वो इंतज़ार करते हैं कि क्या कुछ बोलेंगे और हमें एक हेडलाइन मिल जाएगी। पॉलिटिशियन के बारे में आपके विचार क्या है? मैं जनरल मांग रहा हूँ, हिंदुस्तान के आज के राजकारणियों के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, अभी पिछले 2 साल पहले में मध्य प्रदेश विधानसभा में गया था, वहाँ स्पीच थी, सारे जनप्रतिनिधि मौजूद थे। तब मैंने कहा था कि सत्ता और भ्रष्टाचार का करीबी रिश्ता है, सत्ता और भ्रष्टाचार का करीबी रिश्ता है, कोई रोए और आंसू ना आए ये मुमकिन नहीं है। ठीक इसी तरह से कोई सत्ता में हो और भ्रष्टाचारी ना हो ये जरूरी नहीं है। तब मैंने वहाँ कहा था कि अब संत मुनियों को अपने प्रवचन साधारण जनता के बीच करने की अपेक्षा लोकसभा और विधानसभाओं में करना चाहिए, क्योंकि खतरनाक लोग वहीं मौजूद हैं। मेरा अपना मानना है, अगर देश की लोकसभा और विधानसभाओं में करीब 10,000 लोग जो बैठे हुए हैं, अगर वो सुधर जाएं, तो देश की 1,20,00,000 जनता आप वहाँ और रातों रात सुधर जाएगी। मेरा अपना मानना है कि सुधार की प्रक्रिया नीचे से शुरू नहीं होना चाहिए, बल्कि ऊपर से शुरू होना चाहिए। अगर हमने ऋषिकेश में गंगा का शुद्धिकरण कर लिया, तो हरिद्वार और उसके नीचे के तमाम घाट अपने आप ही सुधरते चले जाएंगे। ठीक इसी तरह शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोग अगर अपने जीवन में आचरणात्मक सुधार लाते हैं, उसका प्रभाव पूरे देश की जनता पर पड़ता है और हम एक नए भारत की कल्पना जो करते हैं उसको साकार होते हुए देख सकते हैं। अब बहुत बहुत सूचक बात बताई आपने कि शीर्ष स्थान पर जो लोग बैठे वहाँ से अगर गंगोत्री ही शुद्ध होगी तो अपने आप गंगा घाट भी शुद्ध रहेगा, लेकिन कितनी आशा है, कितनी उम्मीदें दिखती है आपको? देखिए, मैं विधानसभा में जब प्रवचन स्पीच अपनी दे रहा था, तब मैंने कहा कि 90% नेता और अधिकारी भ्रष्ट है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सार्वजनिक आंकड़े कह रहे हैं, आंकड़े बताते हैं, इसमें मेरा अपना कुछ नहीं। 90% नेता अधिकारी अफसर भ्रष्ट हैं, लेकिन 10% लोग ऐसे हैं जिन्हें हम ईमानदार कह सकते हैं, और उन लोगों की वजह ही देश समाज अपने वजूद पर टिका हुआ है। सिर्फ 10% लोग हैं, तो ये एक उम्मीद टिकी हुई है उन 10% लोगों के पास कि शायद हो सकता है कि वो कहीं उनको ऐसा माहौल मिले या तो उनको इस तरह से अप्रिशिएट किया जाए, तब जाके उनका असर हो सकता है। बाकी 90% जो सड़ गया है पूरा डिपार्टमेंट, उसके ऊपर असर। यहाँ रोकूंगा, अगेन एक वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। दर्शक मित्रों, विराम बाद अंतिम तबक्का की बातों मुनिश्री साथ। विराम बाद फिर एक और स्वागत है अपना कार्यक्रम अतिथि मां। 10% ऐसे हैं जो कि बदलाव ला सकते हैं, या तो भ्रष्ट नहीं है या तो फिर प्रामाणिक है, लेकिन उनके पास पॉलिसी मेकिंग का पावर नहीं है। उसके साथ साथ जो संत समुदाय, आचार्य श्री, मुनिगण, साधुगण, इन सब के एक एक आवाज से लाखों करोड़ों लोग अपना जीवन बदल देते हैं, जीवन के निर्णय बदल देते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है मुनि जी? अगर हम बाकी उन पर ही डाल दें, बाकी 10% लोगों के ऊपर जो कि कॉमन मैन है, वो शायद न लड़ सकते, अगर लड़ सकते होते तो आज आवाज उठ गई होती, लेकिन संत समुदाय जिनके पास धर्मदंड है, उन्होंने भी कई बार ऐसा लगता है कि उस धर्मदंड का सही इस्तेमाल नहीं किया। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, साधु संस्था भी मुझे लगता है कि वो पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ काम नहीं कर पा रही है, और जिस उसका जो रिजल्ट सामने आना चाहिए वो रिजल्ट इसी वजह से नहीं आ रहा है। जिब्बा से अच्छे बोलने वाले संत बहुत है, और संतों का जीवन क्या बोल रहा है इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है। धर्मदंड हाथ में लेने की जरूरत है, और आपके पास मतलब जो इतना अच्छा सा बोलते, अपेक्षाएं बढ़ जाती है उनके पास से कि चलो इतना अच्छा बोलते, इतना सारी नई दिशाएं देते, तब
उसी मुनि जी के पास से अपेक्षाएं बढ़ जाती है। स्वाभाविक है, संत से समाज अपेक्षा रखता है, संत को वो भगवान मानता है, पूजा करता है, अर्चना करता है, उसके कहे और उसके द्वारा दिए निर्देशों का पालन करता है। तो संत के ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी जिम्मेदारी है कि वो जीवन में प्रामाणिकता और पारदर्शिता सके ताकि उसका प्रभाव अपेक्षित समाज पर पड़ सके। हाँ मुनि जी, शुरू शुरू में सब संत सब मुनि ये कहते थे कि फिल्म और टीवी जनरेशन को खराब करती है, दूर रही है, लेकिन जब उनके प्रोग्राम टीवी पे आते हैं तो कहने लगे कि नहीं टीवी देखिए लेकिन क्या देखना है, हंसवृत्ति रखिए। हर चीज के नेगेटिव पॉजिटिव दो पहलू होते हैं, तो टेलीविजन पे दोनों पहलू है। मुझे जो लगता है कि हम सिर्फ गाली देते हैं टेलीविजन पर, दूरदर्शन पर, उसका नकारात्मक पक्ष ही उसको देखते हैं, लेकिन उसका दूसरा पक्ष भी है, सकारात्मक पक्ष है। मुझे लगता है आज मैं पैदल जहाँ जहाँ पूरे देश में नहीं घूम सकता हूँ, लेकिन अपनी बात को प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचा सकता हूँ। तो उसका दूसरा पक्ष है, उसकी तरफ जब आदमी ध्यान नहीं देता है तब उसको गाली देता है, अगर दूसरे पक्ष पर भी ध्यान दे तो मुझे लगता है उसका अच्छा उपयोग भी हो सकता है। मुनि जी, तिथि के बारे में बहुत, ये हर साल एक दिन होता है जहाँ पे सही में अहिंसा में मानने वाले जो लोग हैं, जो संप्रदाय है, जो धर्म है, जो गुट है, उनमें तिथि को लेकर क्या इसमें सॉल्यूशन नहीं आ सकता? देखिए, मैं कहता हूँ कि तिथि और तीर्थ के झगड़ों से बाहर आए, खास करके जैन समाज तिथि और तीर्थ ये दो झगड़ों पर अपनी सारी शक्ति ऊर्जा खत्म कर रहा है और इस दिशा में जितना काम होना चाहिए उतना काम नहीं हो पा रहा है। तो स्वाभाविक है, अगर हम तिथि तीर्थ के झगड़े से दूर आएंगे तो हम महावीर स्वामी की वाणी को, उनके अहिंसा सत्य अचूर ब्रह्मचर्य अपरिग्रह के सिद्धांत को और तेजी के साथ दुनिया के सामने रख सकते हैं। दीक्षा के बारे में भी मुनि जी बहुत कहा जाता है कि ये दीक्षा वाला जो कॉन्सेप्ट है, संत चाहिए, अगर संत नहीं होंगे तो इस देश को दिशा कौन देगा, क्योंकि इस देश की रचना या तो विचारधारा जो हर एक नागरिक की बन चुकी है, जो बिल्कुल संतों के आशीर्वाद से, संतों के स्टेटमेंट से ही समाज दिशा बदलता है, कोई दिशा पकड़ता है, लेकिन दीक्षा की बात आती है वहाँ पे भी जैन समाज पे कई बार सवाल उठते हैं कि एक उम्र तय होनी चाहिए। देखिए, बाल दीक्षा का तो मैं विरोध इसलिए नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने खुद ने 13 साल की उम्र में दीक्षा ली थी, पर इतना जरूर कहूँगा कि दीक्षा जिसको दी जा रही है उसकी अच्छी तरह से परीक्षा होना चाहिए, उसके बारे में सभी दिशाओं से विचार किया जाना चाहिए और ये काम दीक्षा देने वाले आचार्य का होता है। कड़वी कड़वी वाणी के, कड़वे प्रवचन के साथ साथ स्वामी जी को कौन सी अच्छी चीज लगती है, क्योंकि अभी थोड़ी लाइट मूड में लास्ट 2-3 मिनट है, मुनि जी प्रसन्न कब होते हैं? आनंद यात्रा है, जहां मैं रहता हूँ वहाँ एक आनंद यात्रा कार्यक्रम होता है। मेरा अपना मानना है कि संत आनंद को जीता है, आनंद को ओढ़ता है, आनंद को बिछाता है, आनंद को खाता है, आनंद को पीता है, आनंद को पढ़ता है, और कहने वालों ने कहा है कि नंद के घर ही परमानंद का अवतरण होता है, नंद के घर ही परमानंद का अवतरण होता है। तो संत का और आनंद से बड़ा गहरा रिश्ता है, अगर संत चलने लगता है तो यात्रा का आनंद शुरू हो जाता है और संत बैठ जाता है तो आनंद की यात्रा शुरू हो जाया करती है। तो प्रसन्न कब, संत हमेशा प्रसन्न रहता है, हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए क्योंकि उसके जीवन में कोई गम नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई संकल्प नहीं, सदा बाहर है। ओके ओके, एट लास्ट मुनि जी, हमारे दर्शकों को आपका कोई अच्छा सा मैसेज और वही टोन कड़वी वाणी में थोड़ा सा आपका मैसेज जो सीधा सभी दर्शक, जो भी हमारे लाखों दर्शक देख रहे हैं, उन तक, उनके दिलों तक पहुंच जाए। मैं लोगों से कहना चाहूँगा, आप अंधेरे को सिर्फ गालियाँ मत दीजिए, बल्कि अंधेरों को गालियाँ देने की बजाय बेहतर होगा, अच्छा होगा, हम अपने आंगन में एक छोटा सा टिमटिमाता हुआ, मिट्टी का ही सही, टिमटिमाता हुआ दिया जलाएं तो स्वतः अंधकार खत्म हो जाएगा। केवल अंधेरे को पूछने से समाज में जो विसंगतियाँ हैं, जो विद्रूपताएँ हैं, जो कमियाँ हैं, जो खामियाँ हैं, केवल उसकी आलोचना करें, इससे कोई काम नहीं होगा। हम अपने स्तर पर अपने आसपास के वातावरण को सुखद बनाएं, सुहावना बनाएं,
तो मैं समझता हूँ हम अपनी तरफ से कोई काम कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद मुनि जी। दर्शक मित्रों, आदि खास मुलाकात एक एवं संत साथ नहीं के जे संते सतत मार्गदर्शन पूरु पाड्यू छे करोड़ों लोगों ने अने पोताना जीवन पण बदल्या छे आ मुनिश्रीना प्रवचन द्वारा। बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शक मित्रों, फरी मळीशुं नेक्स्ट एपिसोडमां एक नवा अतिथि साथे। त्यां सुधी आप सौ नमस्कार। थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट।